बिहार के भोजपुर के एक छोटे से गांव कांधरपुर गांव के एक्वापोनिक्स फार्म में विदेशी सब्जियों की खेती की जा रही है। यहां इजराइल और नीदरलैंड की हाईटेक तकनीक अपनाई गई है, यानी हाइड्रोपोनिक खेती की जा रही है। पास्ता, बर्गर, पिज्जा, ब्रोकली, जूस समेत कई फास्ट फूड व्यंजन में काम आने वाली सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। इस खेती को काम करने वाले धर्मदेव सिंह का कहना है कि इसमें उपजी सब्जियों में काफी मात्रा में प्रोटीन न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जिसकी पटना के उच्च स्तरीय होटल में काफी डिमांड है। इसमें प्रचुर मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, सारी चीजें जो पौष्टिक तत्व हैं भरपूर रहते हैं। जितने भी हमारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या जो बाहर से आए हुए मेहमान रहते हैं, उच्च स्तरीय होटलों में इसकी डिमांड ज्यादा होती है। हाइड्रोपोनिक यानी बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के जरिए खेती, यह एक आधुनिक खेती है। इसमें पानी का इस्तेमाल करते हुए जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जाती है। इसमें तापमान 15 से 30 डिग्री के बीच रखा जाता है। पौधों को पोषक तत्व भी पानी के जरिए ही दिए जाते हैं। इसमें पानी की सप्लाई टैंक में पानी लगा हुआ रहता है और एक टाइमर लगा होता है, जिसके अनुसार पौधों को जब उसकी जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वाटर सप्लाई दिया जाता है। फिर वह पानी पौधे के जड़ों से होकर पुनः लौटकर टैंक में आ जाता है और ये साइकिल पुनः रिसाइकलिंग चलता रहता है। धर्मदेव सिंह के फार्म में ल्यूटस, केल, कैरी केल, अरुबुला, स्पेनिच, पालक, सेलरी, थाई, चेरी, बेल पेपर, रेडिस, बीट ग्रास और बीट रूट जैसे विदेशी नाम वाले पौधों की खेती हो रही है। धर्मदेव सिंह का कहना है कि खाद्यान्न फसलों से ज्यादा इन पौधों से लाभ इन्हें ज्यादा मिल रहा है। पहले से हम लोग धान, चावल, ये सब खेतियां गेहूं की करते करते थक चुके हैं। उससे किसानों की माली हालत दुर्दशा बढ़ती चली जा रही थी, तो हमने एक अनूठा प्रयोग के तौर पर इस खेती को शुरू किया। तो निश्चित रूप से ये खेती हम सभी कृषक को आगे ले जाएगी। इस काम को शुरू करने में हमें IIT पटना, बिहार सरकार कृषि विभाग, फिर नाबार्ड, आत्मा से काफ़ी सहयोग मिला। टेक्नीशियन विकास कुमार बताते हैं कि इस एक्वापोनिक्स फार्म में कम जगह में विभिन्न तरह की ज्यादा सब्जियों की खेती की जा सकती है। कई लोगों को यहाँ रोजगार भी मिला है। आज भोजपुर जिले में यह फार्म आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह तकनीक छोटे पौधों वाली फसलों के लिए बहुत अच्छी है। जहाँ तक तकनीकी ज्ञान की बात है, जिले में अवस्थित कृषि विभाग एवं आत्मा भोजपुर द्वारा प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। हमारे जिले में इनोवेटिव एक्टिविटी की मद से यहाँ पे किसान के द्वारा हाइड्रोपोनिक तरीके से लीवी वेजिटेबल या फिर सलाद पत्ता जिसको बोलते हैं, वहाँ पे संदेश प्रखंड के कांधरपुर गांव में किया जा रहा है और जिसका सप्लाई पटना में किया जाता है। और किसान के द्वारा एक ये नया नवाचार गतिविधि है और अभी भोजपुर जिला में इस तरह का एकमात्र हाइड्रोपोनिक एक्टिविटी का जो कार्य किया जा रहा है केवल वहीं पे अभी है। और हमारे द्वारा किसानों को प्रशिक्षण के लिए और परिभ्रमण के लिए वहाँ पे ले जाया जाता है ताकि जिले में इसकी संख्या और बढ़े और अधिक से अधिक किसान इस पे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा प्रोडक्शन किया जाए। कृषि विभाग द्वारा इस तरह की खेती पर बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इस तरह की खेती के लिए अनुदान का भी प्रावधान है। आत्मा के द्वारा विभिन्न प्रखंडों, विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। किसान को उन्नत खेती के बारे में, कैसे खेती करने से ज़्यादा लाभ मिले और कम से कम लागत किसानों को हो, इसके लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में हमने इन लोगों को बताया है कि हाइड्रोपोनिक खेती जिसमें कि बिना मिट्टी के ही पानी के द्वारा आर्टिफिशियल टेम्परेचर
शेड के अंदर मेंटेन करते हुए बिना बाहरी वातावरण के कैसे खेती किया जाए, फल की, फूल की, सब्जियों की, इसके बारे में इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का सपना है हर भारतीय की थाल में बिहार का एक व्यंजन हो। धर्मदेव सिंह इसी सपने को साकार करने में लगे हैं।